हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट्स की मीनिंग और इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है तो देखिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है जैसे नाम बता रहा है कि मैनेजमेंट किस चीज़ की प्रोडक्शन की तो यहाँ पे क्या होता है जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं लाइक प्लानिंग है ऑर्गेनाइजिंग like है कंट्रोलिंग है डायरेक्टिंग है सुपरवाइजिंग है, है तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको हम किस पे अप्लाई करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्शन फंक्शन पे जब हम इन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है तो देखिए प्रोडक्शन जो नॉर्मली नेम से सजेस्ट होता है प्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी गुड्स है या कुछ भी है जिसे हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं कि ये प्रोडक्शन हो रहा है ये प्रोड्यूस हो रहा है ये नया गुड्स या नई चीज़ें प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है तो जहाँ पर हम मैनेजमेंट के सारे प्रिंसिपल्स को इन प्रोडक्शन फंक्शन में इस गुड्स को क्रिएट करने में अप्लाई करते हैं उसी को कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट और जो पर्सन ये सब करता है उसे क्या कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग का क्या मतलब हो गया कि कब करना है कितनी क्वांटिटी में करना है कैसे करना है तो वो शेड्यूल पूरा तैयार करेंगे तो ये क्या है एक प्रोसेस है जहाँ पे हम प्लान कर रहे हैं शेड्यूल कर रहे हैं सुपरवाइज कर रहे हैं कंट्रोल कर रहे हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को जो इन्वॉल्व है किस चीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में उनके प्रोडक्शन में तो उसे वो कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट इट फोकसेज ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ इनपुट्स एंड रॉ मटेरियल्स इन टू द कंपनी फिनिश्ड प्रोडक्ट ये चीज एक्चुअली क्या है ये प्रोडक्शन को एक्सप्लेन कर रही है तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मोन मेन ऑब्जेक्टिव या हम कहें कि फोकस किस चीज़ पे है कि उस प्रोसेस पे जिससे कि हम रॉ मटेरियल्स के थ्रू या इनपुट्स के थ्रू आउटपुट तैयार कर रहे हैं तो जो भी ये ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी प्रोसेस लग रहे हैं उस प्रोसेस पे को मैनेज करना ही क्या कहलाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहलाता है राइट right? तो इन दिस प्रोसेस द डिसीजन रिगार्डिंग द क्वान्टिटी क्वालिटी प्राइस पैकेजिंग डिजाइन एट्सेट्रा टेकन बाई द प्रोडक्शन मैनेजर कि हम फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे कोई फैक्ट्री है तो अगर कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है जो चॉकलेट्स का प्रोडक्शन करती है तो अब प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या होगा कि ये जो चॉकलेट है वो कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है उसकी क्वालिटी कैसे रखनी है इसकी शेप एंड साइज़ चॉकलेट का कैसा होना चाहिए इसकी पैकेजिंग में क्या चीज़ करना है इसका डिज़ाइन कैसा होगा इसकी प्राइस इसकी कॉस्टिंग कैसे है कि जिससे हम इसकी प्राइसिंग फिक्स कर सकें तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो कौन लेगा प्रोडक्शन मैनेजर क्योंकि वहाँ पर चॉकलेट का प्रोडक्शन कौन करवा रहा है प्रोडक्शन मैनेजर कर रहा है राइट right? तो जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसप है वो इस फॉर्म में अप्लाई कर देगा कि जब चॉकलेट्स को इसके रॉ मटेरियल को और चॉकलेट तैयार होने तक का जितना भी पूरा प्रोसेस है वहाँ पे ये जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को लगाएगा दैट इज़ प्रोडक्शन मैनेजमेंट तो अब हम देखते हैं कि फिर ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है क्योंकि ये दोनों टर्म जो हैं बहुत ज़्यादा ही इंटर रिलेटेड हैं लेकिन इनके बीच में कुछ बेसिक्स डिफरेंस है तो अब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की तो ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है इट इम्प्लाइज ऑपरेशन मैनेजमेंट इंप्लाइज द मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज़ वहाँ पे हमने देखा कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट में जो सारी एक्टिविटीज़ जिसको हम मैनेज कर रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड कर रही हैं प्रोडक्शन फंक्शन से रिलेट करती हैं जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या कहता है जितनी भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं उन पे जब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे ऑपरेशन मैनेजमेंट अब देखिए बिजनेस एक्टिविटी की जब बात करते हैं तो सिर्फ प्रोडक्शन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है प्रोडक्शन करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को कहाँ पर रखना है कैसे उसको कस्टमर्स तक पहुँचाना है तो ये सब चीज़ें जो मार्केटिंग उसका डिलीवरी करना है उस गुड्स की वो सारी चीज़ें कहाँ आ जाती हैं ऑपरेशन में आ जाती हैं तो इसीलिए क्या कहा गया कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या है उन जितनी भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं एक दिन में जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती थे उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाता है सो इट इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोविजंस ऑफ सर्विसेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन तो कि मैन्युफैक्चरिंग किस चीज की होती है गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है टेंजिबल जो चीजें होती हैं उनको हम कहते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग में रखते हैं तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है प्रोडक्शन फंक्शन का उनको मैनुफैक्चर करना सर्विसेज को प्रोवाइड करने का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उसे हम कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट सो इट डील्स विद डिज़ाइनिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस यूजिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू प्रोवाइड डिजायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर तो यहाँ पे जब अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं मीन्स जो ऑपरेशन मैनेजर होगा राइट right? जो भी ये काम करेगा दैट इज ऑपरेशन मैनेजर तो ऑपरेशन मैनेजर क्या करता है प्रोडक्शन फंक्शन को प्रोडक्शन मैनेजर जो काम कर रहा है उसको भी वो क्या करेगा डिजाइन करेगा कि कितना करना चाहिए कैसे करना चाहिए इंप्लीमेंट कंट्रोल करेगा इसके अलावा जो भी भी में हैं उनका सही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करा के गुड्स एंड सर्विसेज हमें हमें चाहिए हमें चाहिए मींस कस्टमर्स की नीड एंड वांट्स के अकॉर्डिंग मार्केट में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उन तक डिलीवर कराना भी ऑपरेशन मैनेजमेंट है तो अगर इन ट्रग्स कहा जाए तो ऑपरेशन मैनेजर जो होता है वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट को भी देखता है साथ ही प्रोडक्शन होने के बाद उसको कैसे कस्टमर तक तो पहुंचाना है उसकी भी चीज़ों को भी ऑपरेशन मैनेजर डील करता है राइट right? सनेक्स so देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्लैक स्लैक ने क्या कहा था कि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द सेट ऑफ एक्टिविटीज ये क्या है उन एक्टिविटीज कुछ एक्टिविटीज़ का सेट है जो गुड्स को क्रिएट करती हैं ठीक है क्रिएट करने का इन द सेंस क्या हो गया गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे हो गया जैसे प्रोडक्शन में क्या होता है अपने गुड्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर हो रही हैं गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उनको भी देख रही है है ना उन एक्टिविटीज को क्रिएट करना थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इंटू आउटपुट ये सब कैसे होगा इनपुट्स को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म करके ही प्रोडक्शन uh, होता है तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इन सारी एक्टिविटीज के सेट को कहते हैं राइट सो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होगा क्योंकि ऑपरेशन operation, सारे ऑपरेशन ऑपरेशन operation मतलब जो भी एक्टिविटीज सब आ गया उसमें प्रोडक्शन भी आ गया मार्केटिंग भी आ गया सेलिंग का भी काम आ गया सारी चीज़ें आ गई वहाँ पर तो वो सारे ऑपरेशन को डील कर रहा है राइट तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या हो गया ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है और ऑपरेशन मैनेजमेंट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन बाई द मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस के सारे ऑपरेशन को एडमिनिस्टर करना ही क्या कहलाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट राइट right? सो so, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने देखा प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है अब हम इनके बीच के डिफरेंस को समझेंगे ठीक है सो डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेट ऑफ एक्टिविटीज कंसर्निंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इंटू फिनिश गुड्स तो हम क्या कहते हैं uh, जितनी भी एक्टिविटीज यूज होने वाली हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्म करने में उसको मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन में उनको एडमिनिस्टर करना मीन्स उनको देखना प्लान करना उनको शेड्यूल करना उनको कंट्रोल करना उनको एडमिनिस्टर करना प्रॉपरली क्या कहलाता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट वहीं बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट की तो यहाँ पे क्या है एडमिनिस्ट्रेशन है किस चीज़ का गुड्स एंड सर्विसेज़ के प्रोडक्शन का तो है ही है साथ ही कस्टमर तक उसको पहुंचाना डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन दोनों के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट अब प्रोडक्शन मैनेजर क्या कहते हैं प्रोडक्शन मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग डिज़ाइन क्वालिटी क्वांटिटी कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैनुफैक्चर बाय द डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर का काम क्या है कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं लाइक आपने देखा ना वहाँ पे कि uh, चॉकलेट साथ तो चॉकलेट जब प्रोड्यूस हो गया उसके डिज़ाइन उसकी क्वालिटी सब कुछ तो वो काम किसने डिसाइड किया उसका पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किसका था प्रोडक्शन मैनेजर का था कि इस तरह के डिजाइन होने चाहिए इसकी कॉस्टिंग इतनी की होनी चाहिए क्वालिटी ये होनी चाहिए इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है ये सब प्रोडक्शन का मैनेजर का काम था लेकिन जब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजर की तो ऑपरेशन मैनेजर ये तो देखता ही देखता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है उसकी क्वालिटी क्या है क्वांटिटी क्या है किस प्रोसेस से वो होगा ये सब तो जो चीज़ें थी प्रोडक्शन मैनेजर की वो तो एडमिनिस्टर कर ही रहा है वो तो करेगा ही करेगा साथ ही वो क्या देखेगा लोकेशन लोकेशन दिस इज़ कि फैक्ट्री कहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए लोकेशन क्या होगा फैक्ट्री का लॉजिस्ट मैन पावर कितनी रिक्वायरमेंट है कितने लोगों की ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स का क्या काम होगा वहाँ पे स्टोरिंग कैसे करेंगे कैसे मेंटेनेंस रखनी है लॉजिस्टिक कैसे होगा मीन्स कि हम उसकी डिलीवरी ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स को कस्टमर तो तक पहुंचाने के लिए हम क्या चीज़ देख रहे हैं गोदाउन तक पहुंचाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो भी ऑपरेशन मैनेजर देखेगा जो स्टॉक्स तैयार हुए हैं जो फिनिश गुड्स तैयार होगा उसको कहाँ पर मैनेज करा रहे इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कितनी क्वान्टिटी प्रोड्यूस करानी थी कितना ऑर्डर दोबारा देना है कितना मेनटेन करके रखना है वो पूरा मैनेजमेंट भी ऑपरेशन मैनेजर देखेगा अगर कुछ वेस्ट हो रहा है तो वो भी मैनेज करेगा तो ऑपरेशन मैनेजर ये सारे काम करेगा जैसे हमने वहाँ पे एग्जांपल लिया था फैक्ट्री के केस में कि जब अगर चॉकलेट का प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन मैनेजर का काम सिर्फ इतना सा था कि चॉकलेट को प्रोड्यूस करना राइट सेफ्स क्वांटिटी क्वालिटी इन सबको देखते हुए कॉस्टिंग देखते हुए उसको प्रोड्यूस करना यहाँ का काम जैसे ही चॉकलेट प्रोड्यूस हो गए चॉकलेट बन तैयार हो गए तो यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर का काम खत्म हुआ लेकिन अगर ऑपरेशन मैनेजर की बात कर रहे हैं तो वो ये तो देखेगा देखेगा कि प्रोडक्शन कैसा हुआ है प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या काम किया वो तो देखेगा देखेगा साथ में अब ये भी देखेगा कि जो प्रोडक्शन हो चुके हैं जो फ्रिज गुड्स हमारे पास हो गए इनकी इन्वेंट्री कैसे रखनी है मतलब इनका पूरा मैनेजमेंट करेगा कि कहां तक वो स्टॉक मेंटेन कराना है स्टॉक को गोदाउन तक कैसे पहुंचाना कस्टमर तक कैसे पहुंचाना उसकी पैकेजिंग वगैरह कैसे करनी है वो सब भी वो क्या करेगा ऑपरेशन मैनेजर देखेगा नेक्स्ट डिफ्रें डिफरेंस देखते हैं तो प्रोडक्शन मैनेजर मैनेजमेंट कैन ओनली बी फाउंड इन द फॉर्म्स व प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज अंडरटेकिन तो जहाँ कहीं भी टेंजिबल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हों जहाँ प्रोडक्शन का काम हो रहा हो सिर्फ वहीं प्रोडक्शन मैनेजर की ज़रूरत होगी मतलब उन फैक्ट्रीज़ में जहाँ गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ वहीं प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैनेजर की जरूरत होगी लेकिन अगर ऑपरेशन मैनेजर की बात करते हैं तो हर ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी ज़रूरत होगी क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स भी हैं सर्विस ओरिएंटेड भी होते हैं तो ये बैंक हॉस्पिटल एजेंसीज फर्म्स फैक्ट्री हर जगह इनकी ज़रूरत होती है और अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड द राइट क्वालिटी गुड्स इन द राइट क्वांटिटी एट अ राइट टाइम एंड बेस्ट प्राइस तो यहां प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है कि राइट क्वालिटी गुड्स मतलब सही क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का गुड्स सही टाइम पे और सही क्वांटिटी में और एक बेस्ट प्राइस पे आपको प्रोड्यू आपको अवेलेबल कराएगा आपको मीन्स के कंपनी को अवेलेबल कराएगा जिससे कंपनी उससे प्रॉफिट गेन कर सके लेकिन जब बात करते हैं ऑपरेशन मैनेजर की तो उसका मेन एम क्या होता है कि बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स इन ऑर्डर टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी वैसे में आपके रॉ मटेरियल भी आ गए और ह्यूमन रिसोर्स भी आ गया तो सारी चीजें आ गई तो ऑर्गेनाइजेशन के सारे रिसोर्स को इस तरीके से यूटिलाइज करें कि जो कस्टमर्स के वट है अल्टीमेट मार्केट में जो डिमांड है उसको वो फुलफिल कर पाए तो so, इनका जो एरिया है यहाँ पे देखिए डिफरेंस हमारा कम्प्लीट हुआ पर अगर इसके अलावा की बात करते हैं तो देखा जाए कि इनका जो एरिया है ऑपरेशन मैनेजर का वो बहुत वाइड एरिया है जबकि प्रोडक्ट प्रोडक्शन मैनेजर का एरिया क्या है थोड़ा नैरो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है एक तरीके से ऑपरेशन मैनेजर का ही इंटीग्रल पार्ट कह सकते हैं लेकिन अगर दोनों को डिफरेंशिएट करने की बात आए तो हम इन बेसिस पे इनको डिफरेंशियट कर सकते हैं और अगर हम इनके अगर हम समप करें इन सब चीज़ों को एज अ कॉन्क्लूजन हम देखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो होता है वो कवर करता है या एडमिनिस्ट्रेट करता है उन सारी एक्टिविटीज़ को जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो उन सारी एक्टिविटीज़ को ध्यान देता है जो गुड्स के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं साथ ही सर्विसेज के डिलीवरी में लाइक like, आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज़ हैं है, है ना उनका कस्टमर्स तक पहुँचाना हुआ इन्वेंट्री को मैनेज करना हुआ ये सब चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं जैसे कि मटेरियल मैनेज करना क्वालिटी मैनेज करना मेनटेन करना प्रोसेस को मैनेज करना डिज़ाइन को प्रोसेस करना या प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना ये सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर तो आई होप आपको यहाँ पे प्रोडक्श प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है ये क्लियर हुआ होगा सो विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सो मच